बिहार सरकार ने पूरे बिहार राज्य में 5 मई 2021 से लेकर 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लगा दिया है और लॉकडाउन के प्रथम दिन शुक्रवार को दरभंगा में लॉकडाउन का खासा असर दिखा गया। सभी दुकानें बंद रहे, सड़कों पर सन्नाटा जैसा नजारा देखने को मिला। वहीं लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने हेतु सड़कों पर उतरे दरभंगा के जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता, लहरिया सराय थाना अध्यक्ष HN सिंह सहित कई थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में बनी हुई थी। वहीं दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों प्रमुख सड़कों पर पुलिस सुरक्षा बलों की तरह जगह जगह पुलिस तैनात नजर आई। बेवजह सड़कों पर गुजरने वाले तमाम लोगों को संबंधित कागजात, किस आवश्यक कामों से आप सड़कों पर निकले हैं, प्रमाण मांगा जा रहा था। बिना वजह सड़कों पर गुजरने वाले लोगों को घर वापस कर दिया जा रहा था। बगैर किसी आवश्यक जरूरी काम से आप अगर घर से निकलते हैं तो निकलने से पहले सड़कों पर आप पकड़े जाएंगे तो आप पर पुलिसिया कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी होने की संभावना है। दरभंगा से लेकर लहरिया सराय तक में सभी जगहों के दुकान पूरी तरह से बंद नजर आए। मार्केट में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। लोग सड़कों पे अनावश्यक काम से घूमते नजर नहीं आए। ज्यादातर जगहों पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। साथ ही महिला पुलिस भी लॉकडाउन का अनुपालन करवाने हेतु सड़कों पर उतरी हुई थी। पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाने का कारण एक ही है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है इसके चैन को तोड़ा जा सके, संक्रमण को कम से कम किया जा सके ताकि इस महामारी से लोग जल्द से जल्द निजात पा सके। वहीं इस संदर्भ में हमारी संवाददाता ने जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक से बात करके इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। अधिकारीगण फील्ड में है, हम लोग भी फील्ड में निकले हैं लॉकडाउन की स्थिति देखने के लिए और जहाँ जहाँ पर भी अनुपालन नहीं है कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसका अनुपालन कराएं और किसी भी प्रकार के आवश्यक वस्तुओं, दवा, स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं है, उसका पूर्ण रूप से छूट है। अफवाह पर मत जाएं और लॉकडाउन को पूर्णतः अनुपालन कराएं ताकि जो उद्देश्य है इस लॉकडाउन का, चेन को ब्रेक करने का, उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। कम हो रहा है और लगभग अभी हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि सब लोग समझ रहे हैं, बातें मान रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग आवश्यक सामग्री 11 बजे तक तो समय था वो लेने के लिए हम लोग पूछताछ में वही सामने आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि हमारा सिस्टम काम करेगा अच्छे ढंग से और लोग भी मानेंगे और ये लॉकडाउन सफल रहेगा। तो आश्वस्त करना चाहूँगा हमारे बाजार समिति में और जो होलसेलर हैं उनके साथ हम लोग बैठक आज भी रखे हुए हैं और हम लोग स्टॉक का सिचुएशन प्राप्त कर रहे हैं। 6 महीना के लिए स्टॉक पर्याप्त है, 3 से 6 महीना के लिए सभी स्टॉक, चाहे किसी भी खाद सामग्री का बात करेंगे, खाद सामग्री के साथ किसी भी आइटम का बात करेंगे, सब्जी को कहीं कोई कमी नहीं है। सब्जी की आपूर्ति लगातार हो रही है और दाल, चावल, तेल, सभी खाद सामग्री आवश्यक वस्तुएं हैं, सब पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। सप्लाई चेन भी कायम है, कहीं किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, अगर कोई होर्डिंग करेगा या ब्लैक मार्केटिंग करेगा, दाम ज़्यादा बेचेगा, इस नंबर पर अवगत कराना है। लोग परसों भी 3 FIR कराए हैं, कठोर कार्रवाई इस प्रकार की आपूर्ति कायम रहेगी। आवश्यक वस्तु में लेने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है और ये व्यवस्था भी रहेगी, कहीं कोई ये लगाने की जरूरत नहीं है, जमा करने के किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। सहयोग मिल रहा है और हम लोग आपके माध्यम से पुनः अपील करना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से प्रशासन को सहयोग करें ताकि लॉकडाउन पूरी तरह सफल है। कहीं कहीं पर 1-2 दुकानदार दुकान खुले हुए पाया गया था, यूनिवर्सिटी थाना एरिया में उन पर कार्रवाई भी हुई है। कुछ लोग जो वाहनों का अवैध परिचालन करते पाए गए उन पर भी कार्रवाई हुई है और हम लोगों ने भी खुद भी चेक किया तो हम लोगों ने पाया कि ज़्यादातर वाहन में वो लोग हैं जिनको मेडिकल सेवाओं के लिए जा रहे हैं और 7 से 11 तक तो जो आवश्यक सेवाओं की बाज़ार का समय था उसमें लोग निकले थे, लेकिन अभी 11 बजे के बाद से कम्प्लीट लॉकडाउन है और पूरे शहर में आवाजाही बहुत ही कम लोगों की है। जो भी है वो परमिटेड सेवाएँ हैं उनके लिए ही लोग आवागमन कर रहे हैं। पुलिस लाइन से एक बड़ी बस निकाल रहे हैं और शहर में जहाँ कोई भी अनावश्यक रूप से सड़क पर पाया जाएगा उसको तुरंत बस में बिठा के थाना पे ले जाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। अभी आप देख ही रहे हैं कि जो समय अवधि 11 बजे तक था उसके बाद हम लोग उसको इन्फोर्स करा रहे हैं
लोगों को बताया जा रहा है कि अनावश्यक रोड के किनारे भीड़ ना लगाएं, और ये पहला दिन है इसलिए लोगों को सचेत किया जा रहा है और कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें शहर में अभी भी कुछ कुछ बाइक अनावश्यक और गाड़ियां मूवमेंट कर रही हैं, और हम लोग उस पर ध्यान रख रहे हैं और वैसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद दिल्ली, बेंगलुरु, दूसरे कई राज्यों इत्यादि जगहों से यात्रा कर दरभंगा पहुंच रहे यात्रियों को अपने घर एवं गंतव्य तक जाने के लिए नहीं मिल रही है कोई बस या दूसरा कोई सवारी गाड़ी, जिसके कारण यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। आखिर यह यात्री जाए तो कैसे जाए? अपने घर नहीं मिल रहा कोई गाड़ी, लहरियासराय बस स्टैंड में बैठकर यात्री बस इत्यादि गाड़ियों का घंटों तक करते रहे इंतजार। लॉकडाउन के इस स्थिति में लहरियासराय बस स्टैंड से एक भी बस नहीं खुली। बुधवार को यात्रा करने हेतु दूर दराज से पहुंचे यात्री बस स्टैंड में बैठे नजर आए। बुधवार को पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू हो गया, जिसके कारण लहरियासराय बस स्टैंड पर बुधवार को तमाम बस स्टैंड में ही लगी रह गई। वहीं दिल्ली, बेंगलुरु, दूसरी जगहों से यात्रा कर दरभंगा के लहरियासराय बस स्टैंड पहुंचे यात्री बस स्टैंड में घंटों समय बैठकर बस खुलने का इंतजार करते रहे। नहीं तो इसे स्टैंड में कोई बस चालक मिला, न तो कोई खलासी, न तो गाड़ी चलने की कोई सूचना लोगों को मिली, ऐसे काफी परेशान हो रही थी। ऐसे में हमारे संवाददाता लहरियासराय बस स्टैंड पहुंचकर यात्रियों से बात करने की कोशिश की कि क्या परेशानी हो रही है, तो उन्होंने बताया कि वो लोग काफी दूर से आए हैं, किंतु लॉकडाउन लगने के कारण खाने पीने एवं जाने का उसे कोई साधन संसाधन नहीं दिख रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोग जो दूर दराज से आ रहे हैं उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए उचित सवारी मुहैया करवाए। वहीं हमारे संवाददाता ने कुछ रिक्शा चालक से भी बात की, जिन्होंने बताया कि वो लगातार शहर में भ्रमण कर रहे हैं किंतु उन्हें अभी तक कोई सवारी नहीं मिली है। यही स्थिति रही तो आने वाले समय में शायद भुखमरी की नौबत आ सकती है। जी आया हूँ तो मालूम करा है कि बस भी बंद है, टेम्पो बंद है, सब बंद है, इनसे एक भी बस ऑटो कुछ भी नहीं जा रहा है यहाँ। फोन करे हैं वहाँ घर पे तो वहाँ से वो आएंगे, गाड़ी लेके आ रहे हैं अपना प्राइवेट गाड़ी, साधन नहीं मिल रहा जाने, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ से जब हम ट्रेन से भी उतरे थे वहाँ से भी कुछ नहीं मिला है, अभी वहाँ से भी आए हैं दिल्ली मोड़ से, वहाँ से भी एक ऑटो वाला है ज़्यादा पैसा लेके, आनंद विहार से दानापुर, उसके बाद फिर कैसे यहाँ दरभंगा आए? फिर वहाँ से बस था ना, वो बेंगलोर से आया है तो यहाँ दरभंगा, दरभंगा से ना बस, ऑटो ऑटो कुछ नहीं मिल रहा है, कैसे हाया घर जाना, कैसे जाएंगे? पूरे बिहार में बिहार सरकार की ओर से 5 मई से लेकर 15 मई 2021 तक प्रभावी रूप से लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन करने का उद्देश्य यह है कि वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में सरकार का उद्देश्य है कि वायरस के चैन सिस्टम को तोड़ा जा सके। जैसे ही लॉकडाउन का आदेश आया तमाम पदाधिकारी पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर गए और लॉकडाउन को सक्रिय रूप से पालन करवाने के लिए उतारू हो गए। लेकिन प्रतिनिधित्व करने वाले ही जब इस तरह के काम करें तो क्या, देखिए ये वीडियो जिसमें एक पंचायत के सरपंच किस तरह भीड़ जमा करके लोगों को पंचायती के लिए मना रहे हैं। ऐसे में जब सिंहवाड़ा प्रखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर साजिद मुश्ताक ने पहुंचा और सरपंच से बात की कि लॉकडाउन के नियमों का क्यों धज्जियां उड़ाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक घंटे के लिए मात्र पंचायती हो रही है। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो साजिद मुश्ताक ने सिंहवाड़ा थाना को फोन लगाकर इसकी जानकारी दी।